हेलो फ्रेंड्स, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि यूट्यूब से मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कब हुआ था, उसके बाद में एडसेंस पिन कब मिला और यूट्यूब से फर्स्ट इनकम आने में कितना समय लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गूगल या यूट्यूब पर जाकर के हमारे चैनल का नाम क्रिएटिव राजा सर्च कर दीजिए। उसके बाद में आपको हमारा चैनल सबसे टॉप में मिल जाएगा। फिर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साइड वाले नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए और उस पर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, तो आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, मेरा YouTube चैनल मोनेटाइजेशन करीब 10 महीने पहले जनवरी 2020 में हुआ था। मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद में मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना करके अपलोड किया था कि हमें मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद में चैनल पर क्या क्या सेटिंग करना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो बता देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वीडियो मैंने 10 महीने पहले अपलोड किया था। दोस्तों, चैनल मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद में गूगल एडसेंस अकाउंट पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, तो इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैंने करीब 7 महीने पहले अपलोड किया था। दोस्तों, उसके बाद मैंने गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया था जो कि हमें करीब 1 महीने के अंदर मिल जाता है, बट कोरोना वायरस की वजह से सभी को वेट करना पड़ा और एडसेंस पिन काफ़ी लेट मिला। तो दोस्तों, 4 महीने पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना करके अपलोड किया था कि हमें अपना एडसेंस पिन कैसे वेरीफाई करना होता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर काफ़ी कम होने की वजह से, साथ ही मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं करता था, जिस कारण से मेरे चैनल पे काफ़ी कम वीडियोस हैं, जिससे मुझे फर्स्ट पेमेंट आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। दोस्तों, यदि आपको YouTube चैनल से रिलेटेड या अदर टॉपिक पर कुछ पूछना होता है तो आप हमारे चैनल के अबाउट में जाकर के हमें ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमारे चैनल में अभी सिर्फ 53 वीडियोस है, बट मैं अभी कोशिश करता हूँ कि एक हफ्ते में कम से कम 1 या 2 वीडियो अपलोड कर सकूं। दोस्तों, YouTube चैनल से Google AdSense अकाउंट पर $100 हो जाने के बाद ने महीने की 22 तारीख को हमें पेमेंट के लिए एक ईमेल आता है। तो चलिए मैं आपको ईमेल ओपन करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि महीने की 22 तारीख को गूगल एडसेंस की तरफ से गूगल पेमेंट का एक ईमेल आया है। इस ईमेल पर बोला गया है कि हमने आपकी पेमेंट भेज दी है, यदि आपकी पेमेंट आज 21 नवंबर की डेट से 5 दिनों के अंदर मतलब 26 नवंबर तक आपको प्राप्त नहीं होती तो आप अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक में जा कर के संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे YouTube से Google AdSense अकाउंट पर हर महीने 11 या 12 तारीख को मेरे AdSense अकाउंट पर पेमेंट ऐड होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरे Google AdSense अकाउंट पर 11 नवंबर को $101.69 कंप्लीट हो चुके थे। दोस्तों, जैसे ही हमारे Google AdSense अकाउंट पर $100 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में YouTube हमारी पेमेंट महीने की 21 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि 26 तारीख तक या उससे पहले हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, मेरा पेमेंट 24 नवंबर को मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुका था। दोस्तों, YouTube हमें $1 के 72 रुपीज़ देता है। मेरी टोटल इनकम में से 1% GST कटा है, जिसकी कीमत डॉलर में करीब $1 के आसपास है। दोस्तों, मेरे चैनल पे काफ़ी कम वीडियोस होने की वजह से मेरी डेली अर्निंग में से $1 या $0.5 यूट्यूब स्टूडियो में से रोज़ कम हो जाती थी, जिससे मुझे $100 करने में काफ़ी टाइम लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई डाउट या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हमारे द्वारा जल्द ही आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।